ग्रुप में गाते हैं तब तो गब जाता है, लेकिन जैसे ही कोई कह दे कि आप सोलो सुनाइए कुछ, तो पता नहीं क्या होता है कि सब कुछ आते हुए भी हम भूल जाते हैं। ग्रुप में गाते हैं तो वही गाना जो हम सब ने मिल के प्रैक्टिस की थी, कोई ग्रुप सॉन्ग या चार लोगों के साथ प्रैक्टिस की थी, तब तो गब जाता है, लेकिन जैसे ही वो गाना अकेले हमें गाने को कहा जाए तो बेसुरापन आ जाता है और थोड़ी नर्वसनेस सी हो जाती है। तो ये एक समस्या है जो आप सिंगर्स की होती है और स्टूडेंट्स की होती है। तो आइए पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि कैसे इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं, कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकाल कर हम भी सोलो एक लीड में आ सकते हैं आगे। पूरा वीडियो देखिएगा। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। बकायद के लिए जो लहू जरूरी है, बकायद के लिए जो लहू जरूरी है, उसी तरह मेरे जीवन में तू जरूरी है। बकाए दिल ये अक्ल वाले नहीं अहले दिल समझते हैं। अहले दिल यानी दिल वाले लोग। ये अक्ल वाले नहीं अहले दिल समझते हैं कि क्यों शराब से पहले वुजू जरूरी है। बकाए दिल यानी दिल की सलामती के लिए जैसे लहू की जरूरत पड़ती है, उसी तरह मेरे जीवन में तेरी जरूरत है। और ये अक्ल वाले नहीं समझते हैं, अहले दिल वाले लोग ही समझते हैं कि क्यों शराब से पहले वुजू जरूरी है। वुजू यानी हाथों को यहाँ यहाँ तक धोने की एक रस्म होती है इस्लाम में, है ना। तो एक छोटी सी ये गज़ल खान साहब की गाई हुई है, गुलाम अली जी की लिखी, मुझे माफ़ कीजिएगा मालूम नहीं है किसकी, बट हाँ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कंपोजिशन भी और इसके शेर भी। तो आइए दोबारा आते हैं उसी टॉपिक पर कि क्यों ऐसा होता है कि हम जब ग्रुप में गाते हैं तब तो हमसे गब जाता है, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन जैसे ही सोलो गाने की बारी आती है थोड़ी कपकपी सी आ जाती है और कहीं ना कहीं जो आता है वो भी हम भूल जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ये मेरे पिताजी दिया करते थे मुझे एग्जाम्पल कि जब खेती होती है, जब फसल में यू नो बैलों को ले जाया जाता है, तो साथ ही साथ उन बैलों के साथ एक छोटा सा बैल भी जो है वो साथ साथ में रखा जाता है। अच्छा, उसका कोई काम नहीं है, वो नहीं खींच पाएगा हल को, मगर फिर भी वो वहाँ होता है। क्यों होता है, इसी थ्योरी पर वो हमें ये समझाया करते थे कि जब हम ग्रुप में कुछ चीज़ गा रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या जो कच्चे खिलाड़ी हैं जिनको थोड़ा स्वर का उतना ज्ञान नहीं, भान नहीं, उनको भी वो साथ में बिठाया करते थे। क्या होता है, जब वो बैल का बच्चा छोटा, वो भी बछड़ा भी साथ साथ में चलता है तो धीरे धीरे उसको भी चलने की आदत हो जाती है, वो भी साथ साथ में चल देता है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ हल मैं ही चला रहा हूँ। फिर धीरे धीरे वही आदत उसके जहन में बैठ जाती है कि हाँ ये हल तो मैं बचपन से चला आता रहा हूँ, ये तो मैं चला सकता हूँ। ऑटोमेटिकली उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, फिर बड़े होकर वो बैल आराम से उस हल को खींच पाता है, उसमें वो एक कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती कि यार इतना भारी हल या ये सब मैं कैसे करूँगा, है ना। तो एक आदत उसको बचपन से पड़ जाती है। उसी तरह क्या होता है, जब हम ग्रुप में गाते हैं तो एक कोई होता है, दो कोई होते हैं, तीन ऐसे होंगे जो थोड़ा दमदार थोड़ा स्वर में गाते हैं, थोड़ा लय ताल के पक्के हैं, थोड़ा लीड करते हैं, और बाकी जो होते हैं, अगर बाकी सात का ग्रुप है, छह का ग्रुप है, तो बाकी अगर थोड़े कमजोर भी हैं तो भी वो साथ साथ में उन्हीं की एनर्जी
जो स्वर वालों की एनर्जी उनको ऊपर उठा देती है और वो भी गाने लगते हैं, वो भी ग्रुप में ऐसा लगता है कि हाँ पूरी दम की आवाज़ आ रही है, लेकिन उन्हीं को सोलो गवा लीजिए आप तो थोड़े कच्चे हो जाएंगे। ऐसा हमारे साथ खुद के साथ एक्सपीरियंस हुआ। हमारा क्या, मैं तो खुद का एग्जांपल देता हूँ, मेरा खुद का एग्जांपल ऐसा ही है कि मैं भी जब ग्रुप में गाता था तब तो गव जाता था, लेकिन जैसे ही सोलो गाता था तो बेसुरापन और लय नहीं समझ आ रही, ताल नहीं समझ आ रही। मगर क्या हुआ, धीरे 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 उसी ग्रुप ने एक कॉन्फिडेंस दिया और आज मैं भी थोड़ा लीड गा पाता हूँ, सोलो गा पाता हूँ, लीड में आगे आके मैं गा पाता हूँ। तो ये एक हाँ मुसीबत रहती है, एक थोड़ी समस्या रहती है कि जब आप ग्रुप में गाते हैं तब तो गग जाता है, लेकिन इसमें आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको ये नहीं सोचना कि यार मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो ग्रुप में गाऊंगा तो ही नहीं, कोशिश करते रहिए, है ना। कहते हैं ना कि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो वो थोड़ी मुश्किलें हैं, उनसे आगे निकलना होता है। और जाहिर बात है लीड गाना है तो आपको नॉलेज की आवश्यकता है, क्योंकि लीड गाने के लिए क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस किससे आता है, नॉलेज से। और यूं कहूं कि नॉलेज से आता है, और एटलीस्ट ये कहना चाहिए कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ नॉलेज, कि आपको मालूम है कि आप में ज्ञान है, इस चीज से कॉन्फिडेंस आता है। तो वो बनाए रखें और सीखें, है ना। अगर आपको स्वर ताल लय की नॉलेज है अच्छे से और आप जानते हैं कि आपका जो गाना गा रहा है वो कौन से स्केल से गा रहा है, कौन सी ताल उसमें लग रही है, वो कॉन्फिडेंस आप में है, तो आप लीड में भी गा पाएंगे, आपको ग्रुप की भी आवश्यकता नहीं है। ग्रुप का जो पुश मिल जाता है उससे आप आगे निकल जाएंगे, बस नॉलेज की कमी है, है ना, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। तो उस नॉलेज को बढ़ाएं, थोड़ा सीखें, अलंकारों का रियाज करें, रागों का नॉलेज लें। क्या होता है, जो लीड में गा रहे हैं उनमें और क्या है ऐसा जो आप में नहीं है, कॉन्फिडेंस, और कुछ भी नहीं है, वो दम। सुर सुरावट तो जाहिर बात है वो मैं नहीं कह सकता कि हर जगह वही केस है, पर ज्यादातर यही केस होता है कि जो लीड में नहीं गा पाते उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और कुछ नहीं। नॉलेज हो सकता है कि सब में बराबर हो, लेकिन बस वही है ना कि उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी है कि वो सबको थोड़ा कॉन्फिडेंस है, वो आगे रख के अपनी बात कह सकते हैं कि हाँ ये लाइन ऐसे गानी, ये लाइन ऐसे गानी है। और वो भी क्यों कह पाते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, उनको लगता है कि हाँ ये ऐसे कर सकते हैं, कह सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है उनको नॉलेज भी नहीं होता लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस इतना है, वो गलत बात को इतने सटीक और इतने वो दृढ़ निश्चय से कहते हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही होना चाहिए, कि अच्छे अच्छे कॉन्फिडेंस वाले भी डगमगा जाते हैं। वो सोचते हैं यार हो सकता है शायद यार ये कह रहा हो, है ना। और कई बार क्या होता है, हमें आदत होती है सबमिसिव रहने की, हमें आदत होती है कि चल भैया हम तो पीछे पीछे ही चलेंगे, हम तो यही लीड करते हैं, हमको नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप वो कॉन्फिडेंस दिखाइए कि नहीं, कोशिश कीजिए, आप स्टैंड लीजिए अपना कि नहीं मैं भी लीड कर सकता हूँ अगर मुझे चांस दिया जाए तो आप कोशिश करेंगे और गिरते पड़ते एक दिन आप खुद भी लीड करने लगेंगे। तो थोड़ा कोशिश कीजिए। और हाँ, क्या होता है, ग्रुप में गव जाता है, सोलो नहीं गा पाते हैं, एक और चीज़ का डर होता है, इंसल्ट का, आपको बेइज्जती का डर है, आपको लगता है कि यार चार लोगों ने मैं अभी गलत गाऊंगा तो हंस देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई फांसी पे नहीं लगा देगा आपको, कोई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा इंसल्ट में, है ना। तो उस चीज़ का है कि उस डर को भी आप पार कीजिए कि कोई बात नहीं, अगर थोड़ी बहुत इंसल्ट होती है, बट चार बार होगी, पांच बार होगी, लेकिन छठी बार देख लीजिएगा आपकी कॉन्फिडेंस की दाद दी जाएगी, और आपने अगर गलत भी गाया ना तो भी उसको नकारा नहीं जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें अपने आप में, अपने आप ग्रुप क्या, आप सोलो क्या, आप लीड करेंगे, आप ग्रुप चलाएंगे, है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, देखते रहें संगीत प्रभावर्ड के वीडियोस को ऐसे ही, और बस कॉन्फिडेंस रखिए, सीखते रहिए और फिर आप गा सकते हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।